अमृतसर के निरंकारी भवन में एक धार्मिक समागम में हुए ग्रेनेड हमले के आरोप में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमृतसर ग्रेनेड अटैक का ऑपरेशन ब्लू स्टार कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक घटना में शामिल एक शख्स विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथी अवतार सिंह की तलाश जारी है। गौरतलब है कि निरंकारी भवन में हमले के वक्त विक्रमजीत सिंह बाइक चला रहा था, जबकि बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठे उसके दूसरे साथी अवतार सिंह ने ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड फेंकने वाले 32 वर्षीय अवतार सिंह का ब्लू स्टार कनेक्शन सामने आया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अवतार सिंह का पिता गुरदील सिंह 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में धर्मी फौजी टीम का हिस्सा था। ऑपरेशन के दौरान ही अवतार के पिता ने सिखों का साथ देने के लिए सेना से इस्तीफा दिया था। अवतार के निरंकारी भवन हमले में संलिप्त होने के कारण पुलिस ने गुरदील सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग ने इस मामले के पीछे ISI की साजिश की पुष्टि की है। दरअसल पंजाब की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब को 80 के दशक की तरह अस्थिर बनाने की नापाक साजिश रच रही है। पाकिस्तान की आतंक नीति को सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में बुरी तरह नाकाम किया है। कश्मीर में लगातार होते आतंकियों के एनकाउंटर की वजह से पाकिस्तान अब पंजाब में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहा है। पंजाब में पहले से ही पाकिस्तान ड्रग्स से युवाओं को तबाह करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब खालिस्तान के नाम पर पंजाब के युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। खुफिया रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि हमले में इस्तेमाल किए गए इस तरह के ग्रेनेड का जम्मू कश्मीर में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।